आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में विधानसभा सत्र के 10वें दिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में संबोधन दिया, जिसके साथ बजट पर भी चर्चा की। बता दें कि सदन में सीएम ने कहा कि बजट में हर किसी का ख्याल रखा गया, साथ ही भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। पिछली सरकारों में अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास के नारे को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां भाजपा कार्यालय में आज बड़ी बैठक की गई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का आगमन हुआ। सुनील बंसल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी का जायजा लेने के साथ मजबूत रणनीति बनाए जाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि 14 लोकसभा सीटों पर विशेष रणनीति बनेगी। इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। 2024 के मद्देनजर चुनावी मोड में बीजेपी की तैयारी जोरों पर चल रही है। देश व प्रदेश भर में भाजपा सरकार द्वारा महंगाई बढ़ाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के दामों में हो रही लगातार वृद्धि से लोग परेशान हैं। जगह जगह कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी हाथों में झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए गए। होली के त्योहार के पहले गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि करने से सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि सरकार आम जनता के घरों में डाका डाल रही है। संभल में सियासत तेज हो गई। अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद पर हमला बोला है और कहा कि मुरादाबाद का नाम बदलने से देश के हालात नहीं बदलेंगे। भाजपा मुसलमानों को खत्म करना चाहती है। हजारों लाखों शहर और कस्बे हैं, शहर है, तो उनके नाम जो कुछ पहले से चले आ रहे हैं, तो उसमें किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं, बल्कि इन्हें तो सिर्फ ये कि अगर मुसलमान के नाम पर वो नाम है तो उसको मिटाना चाहते हैं, मुसलमान को मिटाना चाहते हैं, मुसलमान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्या किसी शहर का नाम बदलने से हिंदुस्तान लखनऊ में ट्रेनिंग के बाद विभिन्न जेलों पर डिप्टी जेलर तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि 13 डिप्टी जेलर को जेलों पर तैनाती दी गई है। लोक सेवा आयोग से चयनित को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद विभिन्न जेलों पर तैनात किया गया है। औरैया में एक दिन पहले लापता हुई सिंचाई विभाग के मेट का शव नदी के किनारे पड़ा मिला है। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल हत्या है या हादसा, पुलिस इसकी जाँच में जुटी हुई है। यहाँ आप देख लेंगे, जो नहर पुलिया है, नदी की पुलिया है, उससे दाहिनी तरफ एक गाड़ी गिरी मिली थी, बाइक, और उसके साथ एक बॉडी मिली थी। आकर देखा गया, परिवार को सूचना दी गई। ये सर्वेश सिंह हैं, जो इरिगेशन में, सिंचाई विभाग में मेट का काम करते हैं। पता किया तो इनकी ड्यूटी यही दिव्यापुर क्षेत्र में लगी हुई है, और ये आते समय या तो किसी गाड़ी से टकरा गए या स्पीड से जो है ये इस तरफ को गिर गए। बॉडी मिली हुई है, क्या आपके मोहल्ले के थे, कौन थे ये? हमारे मोहल्ले के थे, हमारे मित्र थे। अच्छा, कैसे जानकारी आप लोगों को हुई थी? हम लोगों को सुबह जानकारी मिली, गांव के क्षेत्रवासियों ने फोन किया वहाँ पे, ये सब हमें पता चला। क्या करते थे ये? वैसे ये शायद सिंचाई विभाग में थे। क्या नाम था? सर्वेश। कितनी एज होगी? 36। बच्चे हैं? एक बच्चा है, दो लड़कियाँ, एक लड़का है।
आगरा में पुलिस एक बड़ा अभियान चला रही है। लगातार फायरिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले दिनों में फायरिंग की कई घटनाएं हुई हैं, जिससे बड़ी तादाद में कारतूस चलाए गए हैं। पुलिस गन हाउस पर छापा मारकर एक एक कारतूस का हिसाब ले रही है और पता कर रही है कि कितने कारतूस किस लाइसेंस पर गए हैं, क्योंकि फायरिंग करने वालों के पास कारतूस कहाँ से आ रहे हैं, यह पुलिस के लिए बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हर गन हाउस पर जाकर एक एक कारतूस का पुलिस हिसाब मांग रही है। आगरा पुलिस ने यहाँ फतेहाबाद गन हाउस में आके चेकिंग किया है और वेरिफिकेशन किया है। ये आगरा पुलिस वेरिफिकेशन सभी जगह करेगी, क्योंकि हाल के समय में जो हादसे हो रहे हैं, हम लोग ये बात की पुष्टि करना चाहते हैं, इस बात की जांच कर रहे हैं कि जो भी जहाँ भी फायरिंग की घटना हो रही है वहाँ कारतूस कैसे पहुँच रहा है। इस एम के साथ आगरा पुलिस पूरे जनपद में जितने भी गन हाउस हैं सबकी चेकिंग करेगी। अलीगढ़ में राजस्थान में मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युवक नासिर और जुनैद की जीप में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद विरोध में आजाद समाज पार्टी का शिराम इकाई ने प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन के दौरान महामहिम राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। संस्थापक एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देशानुसार अलीगढ़ जनपद आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता इधर आकर के पहुँचे। इनका जो एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पहुँचाने के लिए, और उसके विषय है कि इधर जुनैद और नासिर के को जो अपहरण कर अमरोहा में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में त्योहारों को लेकर बैठक में डीएम ने कहा कि होलिका दहन और शब्बे बारात भी मनाई जाएगी, इसलिए सभी अधिकारी और पुलिस प्रशासन सक्रिय होकर कार्य करें। कहा कि आवश्यक स्थलों पर पहले से भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेकर कार्य करें। अमरोहा में लोकसभा क्षेत्र के गढ़मुक्तेश्वर से विधायक रह चुके पूर्व विधायक कमल मलिक ने समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर जो उन्होंने टिप्पणी की है उस पर मुख्यमंत्री योगी की ओर से जो प्रतिक्रिया मिली है, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया समाजवादी पार्टी को इसका चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने थोपा था वही उनकी लंका जलाने में इस्तेमाल होगा। विपक्ष अखिलेश जी द्वारा की गई टिप्पणी, उनके द्वारा किया हुआ कटाक्ष, उसके ऊपर दिया हुआ बहुत करारा जवाब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, ये वास्तविकता और यथार्थ का दर्शन कराता है। समाजवादी इसका चिंतन करें, उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्या चीज़ परोसी थी, आज जो थोपा था वो थोपा हुआ समाजवादी की लंका को जला देगा। खबर कानपुर से है, जहां गैस सिलेंडर के दामों में हो रही लगातार वृद्धि से लोग परेशान हैं। जगह जगह कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ पैदल मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारी हाथों में झंडा बैनर पोस्टर लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि होली के त्यौहार के पहले गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि करने से सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि सरकार आम जनता के घरों में डाका डाल रही है। तैयारी कर रहे थे वहीं पर गृहणियों के लिए 50 रुपए सिलेंडर महंगा कर दिया गैस का। हर महीने 3 महीने 4 महीने में गैस सिलेंडर 400 मिलता था सिलेंडर, 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, आज 1100 रुपए का हो गया। ये सरकार सिर्फ एक चीज़ चाहती है, उसने कसम खा रखी है कि एक आदमी को विश्व का सबसे अमीर आदमी बनाने के लिए हमारी जेबों पर डाका डाला जा रहा है। आमदनी कम हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और खर्चे लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने आज अर्जुनगंज के अहिमा मऊ अंडरपास के चौराहे का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में विकास प्राधिकरण नगर निगम द्वारा कराए जा रहे कामों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कराए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। और इसी के साथ निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सड़कों के किनारे लगे हुए पेड़ों की कटिंग न हो पाने के कारण सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य बाधित हो रहा था। मंडलायुक्त के तत्काल DFO को फोन से वार्ता करके निर्देश दिए।
प्रतापगढ़ में जमीन के लालच में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि लाठी डंडों से बहू और पोते ने जमकर पिटाई की, जिसके चलते बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में पड़ोसी ने बुजुर्ग को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। ये सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की जाँच में जुट गई है। ये एक वृद्ध महिला है, कलावती देवी, ग्राम तुरकौली की निवासी है, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़। उनके बहू और उनके पोते के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी। इसके पश्चात उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक नेशनल सब जूनियर एवं कैडेट जूडो चैंपियनशिप में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तमिलनाडु चेन्नई में आयोजित खेल में जीत हासिल कर 12 वर्षीय राखी ने प्रयागराज का नाम रोशन कर दिया है। राखी ने रजत पदक जीता है। इससे पहले राखी ने अंडर 19 T20 की टीम में अपना स्थान बनाकर इंग्लैंड में जीत हासिल कर देश का नाम रोशन किया था। या जो इसका इस समय का जो अभी का और जो पिछला जो अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जब आई थी तो जिसके अंदर एक क्षमता था, कुछ दिखता था कि हाँ ये कुछ कर सकती है। डिसिप्लिन से रहना, डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करना और अपने देश और अपने प्रदेश और अपने ज़िले का, और इसका एक सपना है कि मैं ओलंपिक खेलूं। और इसके फादर की पिछले साल डेथ हो गई थी और ये बड़ी मुश्किलों से जो है ये अपना जूडो करती रही, लगातार करती रही। और पिछले खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स जो हुए थे वुमेंस लीग के, उसमें इसने नेशनल में पार्टिसिपेट भी किया था और इसका 5th प्लेस था नेशनल में। अपने सर को देना चाहूँगी। मैं प्रैक्टिस की, मेहनत की, मेरे साथ सर भी थे, मैं सर ने मुझे प्रैक्टिस करवाई, मैं गई खेली और अपना बेस्ट दी थी। मुझे मैं जितनी मेहनत की थी मुझे उतना मिल गया। पिताजी नहीं है, मैं और लोगों के लिए ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं डिसिप्लिन में थी, टाइम से आती थी, प्रैक्टिस करती थी, मैं और अपने दोस्तों और जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर वो भी मेरे साथ डिसिप्लिन या टाइम का रिस्पेक्ट करेंगे, मैं उस तभी उन मेडल प्राप्त कर पाएंगे जैसे मैं करती हूँ। राखी कनौजिया। रायबरेली में लावारिस लाशों का ठिकाना बन चुका है। पुलिस की लचर कार्यशैली से जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। यहां लावारिस लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। शवों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर रायबरेली से है, जहां प्रयागराज गोलीकांड में गनर राघवेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच गया है। आपको बता दें कि राघवेंद्र घायल हो गए थे और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं मृतक की मां की सरकार से मांग है कि योगी सरकार से 1 करोड़ की आर्थिक मदद के साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा सुनाई जाए। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे दोनों बच्चों को नौकरी दी जाए और हमारे गांव में शहीद का पथ हमारे बच्चे को मिले और हमारे आर्थिक सहायता मदद 1 करोड़ रुपए की दी जाए और हम सब लोग जो दुखी हैं हमारे दुख में वो लोग शामिल हो आके कि क्या दुख है इनको, इनके माँ को, यहाँ पर वो लोग आए और हम जब तक हमारा एक कार्य पूरा नहीं हो जाता है, मुख्यमंत्री योगी नहीं आएंगे, तब तक हम अपने पार्थिव शरीर को बच्चे के रखे रहेंगे। वो आकर देखें तो कि क्या माँ का दुख होता है। उसके पार्थिव शरीर को आज उसके घर पे पुलिस विभाग, कस्बे के सैकड़ों लोग और एडीजी श्री सतीश गणेश, मेरे द्वारा और मेरे अन्य साथियों के द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं और ये बहुत ही भावुक और हृदय विदारक क्षण है। इसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद उनको राजकीय सम्मान के साथ यहाँ से विदा किया गया है। अब उनका शव घाट पे जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए और हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। संभल में फिल्मी अंदाज में रोडवेज बस चालक टावर पर चढ़ गए थे। ये युवक लगभग 90 फीट ऊंचा था। ये सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही घटना के कुछ देर बाद डीएम सूर्यपाल गंगवार, एडीसीपी समेत एसडीआरएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। आपको बता दें कि युवक अपनी मांगे पूरी न होने से नाराज था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया।
अलीगढ़ में डीएम इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा दो दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का फीता काट शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान तरह तरह की वैरायटी के पुष्पों को प्रदर्शनी में लगाया गया और इसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई। ये दो दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी थी जो अलीगढ़ के शहरयार नीरज पार्क में आयोजित की गई थी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र के लोगों ने जो शौकीन हैं फूलों के, सब्जियों के, पत्तियों के, प्लांट्स के, उन सब ने 248 प्रतिभागियों ने यहाँ पर अपने उत्पाद प्रदर्शनार्थ लगाए थे, जो 1008 किस्म के उत्पाद यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। इनका उद्देश्य ये होता है कि जो शौकीन लोग हैं वो इस फील्ड में आएँ आगे और इससे अगर वो अपनी रोजी रोजगार। खबर औरैया से है, जहां होली और शबे बारात का त्यौहार एक साथ होने की वजह से प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। बता दें कि प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से तैयारी की कर ली गई है। वहीं जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा जिले में पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें सभी अधिकारियों को सतर्क किया गया ताकि दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। मूल भावना समझना चाहिए, तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे काफी अधिकारी शबे रात क्यों मनाई जाती है ईद का तो जानते हैं, मुहर्रम का जानते हैं, नहीं जानते हैं। इसलिए मैं पहले अनिल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शबे रात की पृष्ठभूमि बताएं। जब तक उसकी मूल भावना को नहीं जिएगा आदमी, तब तक फिर वो बाहर से केवल एक्टिंग करता रहेगा कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ और एक खाका टाइप की ड्यूटी करता रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद में लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो जनता को तीन बड़ी सौगातें देंगे। इस अवसर पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री मूलचंद्र शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर भी मौजूद रहेंगे। बता दें इस कार्यक्रम में जनता को श्रीमती सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय और रानी की छतरी का सौगात मिलने वाला है। बता दें कि इनका काम पूरा हो गया है, अब इसे जनता को सौंप दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए लोगों में खुशी का माहौल है। अलीगढ़ में मुखिया योगी आदित्यनाथ फर्जी हो रहे कार्यों पर नकेल कस रहे हैं। वहीं अलीगढ़ के कस्बा जट्ठारी में फर्जी तरीके से सालों से चला आ रहा अल्ट्रासाउंड सेंटर पर सूचना मिलने पर कार्यवाही की गई है। बस स्टैंड जट्ठारी पर अवैध रूप से सालों से ये अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जा रहा था। डीएम को शिकायत पत्र मिलने पर कस्बा जट्ठारी में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लैब पर अलीगढ़ टीम की ओर से छापा मारा गया है। सर क्या कार्रवाई की गई है? सर आज एक सूचना मिली थी कि इस सेंटर पर सिटी पॉलीक्लिनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर चट्टानी में डॉक्टर के द्वारा ना अल्ट्रासाउंड ना करके किसी और के द्वारा किए जा रहे थे, तो हमारी टीम ने सीएमओ साहब की परमिशन से इस पर सुबह 11 बजे करीब छापा मारा, तो यहाँ पर करीब मौके पर 8-10 मरीज बैठे हुए मिले, जिनसे पूछने बताया गया कि डॉक्टर साहब अभी नहीं है, कोई और कर रहा है। लेकिन अंदर जाके देखा गया तो कोई नहीं मिला। देखा गया तो उसमें अल्ट्रासाउंड कक्ष में पीछे एक दरवाज़ा था जो कि बाहर से बंद था, जिसमें वो जो कर रहा था वो पीछे से भाग गया था। जो चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं वो नहीं मिले मौके पर करते हुए। अच्छा, इनके रजिस्टर मैम आज जो कार्रवाई हुई सर, मैम कहाँ पर हुई है? ये सिटी पॉलीक्लिनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर जट्टारी पे यहाँ पे सूचना मिली थी, तो यहाँ पे प्रशासन की टीम और डिप्टी सीएमओ साहब आए हुए हैं, तो यहाँ पे हमने कार्रवाई की है। मशीन सीज की गई है और यहाँ पे हम जो भी रिपोर्ट है बना के भेजेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर मैम अल्ट्रासाउंड जो जो माली वो जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे डॉक्टर वगैरह कहाँ पर गए? मैम जी हमने संचालक को बुलाया हुआ है और टेक्नीशियन यहाँ पे कर रहे थे, डॉक्टर नहीं कर रहे थे। तो खबर बादशाहपुर से है, जहां गलियों में गंदा पानी भरने का मामला सामने आया है, जिससे वहां रह रहे दलितों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकला, जिस वजह से गांव के लोगों गंदे पानी में रहने के लिए मजबूर है। क्या नाम आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी क्या परेशानी है? अरे ये आए दिन यहाँ पानी भरता रहता है, पानी का लिखास नहीं है बिल्कुल भी। हम प्रधान जी में फोन करते हैं, प्रधान जी फोन नहीं उठाते, कोई सफाई करने वाला नहीं, कोई पानी जाता ही नहीं, हम बड़े परेशान हैं। आपने किसी अधिकारी से शिकायत की? ना अभी तो ना करी। प्रधान जी से मिले आप? प्रधान जी से कल परसों मिल के आए, उन्होंने तो ये कह दीजिए हम ऊपर कुछ बजट ही ना शिकायत करवा। भीड़ न्यों खड़ी हुई है यहाँ, पानी भरो जा दरवाजे पे, बालक कहाँ तक मोरी सा अपना तो कहाँ तक रहे। तो क्या ग्राम प्रधान से आपने शिकायत की? देखो जी मैं तो गई ना प्रधान, आदमी गई, परेशानी मोरी की
सफाई कोई करवावे ना और हाँ दुनिया भर को इकट्ठा हो रहा है पानी करे ना। आपने ग्राम प्रधान से इसके बारे में शिकायत की? ना हम ना गई। हरदोई के पाली नगर में एक टेंट कारोबारी की दुकान में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसमें दबंग हमलावरों पर 80,000 रुपए की नकदी निकालने का आरोप है। मारपीट के इस मामले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके सामने आने के बाद एसएसपी पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है और आरोपियों पर कार्यवाही की जाएगी। हाँ, एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है, ये पाली कस्बे का है। ये जानकारी में आया है कि टेंट हाउस है, उसकी दुकान के अंदर कुछ लोग घुस के उससे भद्रता और हाथापाई कर रहे हैं। इसकी जांच करके इसमें अभियोग शीघ्र ही पंजीकृत किया जाएगा। शाहजहांपुर में व्यापारी ने सुसाइड नोट लिखकर जहरीला पदार्थ खा लिया, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि व्यापारी ने एक दुकान बेची थी, खरीदारों में एक पार्टनर ने उनके घर पर आकर धमकाया, 11 लाख रुपए की डिमांड करने लगे, रुपए नहीं देने पर व्यापारी को गोली मारने की धमकी दी गई, जिसके वजह से उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। प्रतापगढ़ के चित्रकूट हाईवे के जेठवारा थाने इलाके में चारपाई पर शव रख कर परिजनों की संग ग्रामीणों ने जाम लगाया है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया जा रहा है। आपको बता दें कि मृतक भट्ठे पर काम करता था, लेकिन भट्टा श्रमिक भट्ठे में गिर गया और धुएं के चलते दम घुटने से उसकी मौत हो गई, जिसकी जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि भट्ठे के मालिक उनके बेटे की हत्या की है। मांग हमारी है साहब, जो बच्चे हमारे चाचा मरे हुए हैं, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, इनका मांग पूरी की जाए। 10 लाख की मांग है इनकी, पूरी की जाए, जो हैंड टू हैंड हो। श्वासन मिला साहब, उनको बोले कि 5 लाख देंगे, एक आवास देंगे, श्वासन देके चले गए हैं। कितने बच्चे हैं? इनके 4 बच्चे हैं। पांच हैं। और कोई सहायता किसी ने दिया आपको? कोई सहायता नहीं दिया साहब। और कोई आश्वासन, कोई नेता आपके यहाँ? अभी कोई नेता नहीं आया। सांसद जी आए थे कल शाम को। हम वर्मा हैं, ब्रिजेश वर्मा। आप उनके क्या लगते हैं? उनके भतीज हैं। देखिए, कल एक भट्ठे पर, वहाँ पे थाना लीलापुर के अंतर्गत एक भट्ठे पर एक वहाँ पर कर्मचारी हैं, उनकी मृत्यु हुई थी, जिसके संबंध में विधिवत पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया। आज परिवारों का आरोप था कि वहाँ भट्ठे पर जो उनके मालिक और उनके बेटे हैं, उनके द्वारा इसके साथ में इसकी हत्या की गई है, उनका ये आरोप था। तो पुलिस के द्वारा उनसे तहरीर प्राप्त की गई और इसमें अभियोग पंजीकृत कर निष्पक्ष गुणवत्ता के आधार पर विवेचना स्टार्ट की गई है और गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। इसी पर उस जाम का वहां से निस्तारण हुआ और किसी प्रकार का यातायात बाधित नहीं रहा है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।